अब आज हम पढ़ेंगे इससे अगला, तानी उपचय संगात। अच्छा हाँ, तानी इन सभी गुणों के उपचय संगात, आपस में संगात होने से क्या होगा? गौरव स्थैर्य कराणी, शरीर में हैवीनेस पैदा होगा, शरीर को स्थिर करने वाली भाव उत्पन्न होंगे, चाहे वो भाव पदार्थ हो, यानी कि शरीर के कोई अर्गन हो या कोई कोई दूसरे भाव पदार्थ हो, कोई भी चीजें हो, यानी कि हम यहाँ क्या करें, स्थैर्य करणानी, यानी जैसे जो कैंसर की कोशिकाएं हैं, किसी भाव पदार्थ में स्थिरता पैदा होने से कैंसर की कोशिकाएं या कैंसर के रूप वो धारण कर सकता है। जैसे आम बात हो रहा है तो वहां पर भी स्थिरता, जैसे बवासीर हो रहा है, कहीं गांठे गुल्म हो रहा है, तो ये सभी क्या है, स्थिर कराणी। तो इससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पार्थिव गुणों की वृद्धि हुई है। अब हो सकता है उसके आहार विहार कुछ वैसा हो, या हो सकता है कि कुछ तो है जो कि इसके आयुर्वेद में, आयुर्वेद एक स्पष्ट शब्द ये बोलता है कि मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई व्याधि है, तरह तरह के आपने एक व्यवस्थित चिकित्सा भी किया लेकिन फिर भी व्याधि ठीक नहीं होता, या ये कह सकते हैं दूसरे नंबर में कि रोगी को रोग ठीक तो हो रहा है, जैसे दवाई बंद करोगे वैसे ही व्याधि उत्पन्न हो रहा है, ये निश्चित बात है। उस व्याधि उत्पन्न करने वाले कोई आहार विहार वैसा वैसा आहार विहार, जैसे अगर किसी को डायबिटीज है तो निश्चित बात है कि यह पार्थिव महाभूत से रिलेशन रखने वाले कुछ तो है जिसका संबंध में वो ज्यादा से ज्यादा, इसको संतान वंश परंपरा बोलते हैं। इस दुनिया में अगर कोई अच्छी चीजें हैं तो भी उसको वंश परंपरा रहता है, अच्छे चीजों का और बुरे चीजों का। इसका उदाहरण हम इस तरह से ले सकते हैं, मान लीजिए कि कोई आदमी को भूख नहीं लगती है और वो कुछ दवाइयां भी खा रहा है, दवाई खा जब तक खाए तब तक तो ठीक है, लेकिन बंद करते ही फिर वही हालत हो जाती है, अजीर्ण जैसी स्थिति आ जाती है। तो इसका मतलब है कि व्याधि को उत्पन्न करने वाली जो कारण है, उस कारण के नजदीक में जाने से, उसका सेवन करने से शरीर में अजीर्ण से संबंधित जो रोग है, जो कारण है, वह वंश परंपरा, यानी वो चल रहा है, वो एकदम उसके परमाणु टूटेंगे, नष्ट होंगे तो फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। आ रहा समझ में? इसीलिए जब तक हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे, उसको उस कहाँ वो गड़बड़ कर रहा है, वो ऐसे क्या चीज खाता है सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, उन सभी चीजों का लेखा जोखा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा व्याधि आ गया जो पार्थिव महाभूत के संगठन की इस तरह के गठन से, उसके वृद्धि यानी बढ़ने के कारण से कोई रोग हो रहा है, तमाम जो संतर्पणोत्थ व्याधि है सभी तकरीबन पार्थिव महाभूत के संगठन की वृद्धि होने से हो रही है, वृद्धि होना यानी बढ़ने से। मान लीजिए हम आम बात को लेते हैं, आम बात क्या है, आम बात जल और पृथ्वी ये दोनों महाभूत की अधिकता से हो रही होती है, उसके आवरण जब वो वायु को जब वो रोकता है रास्ते को, कुछ लोग कह रहे हैं सर ये आवरण क्या होता है समझ में नहीं आया, तो आवरण का मतलब होता है कि शरीर में, जैसे मान लीजिए आपको भूख नहीं लग रही है और आपने भोजन किया, खाया हुआ जो भोजन है थोड़े बहुत बचा हुआ जो अंदर का आग है उसको भी वो ढक देता है, यानी प्रॉपर उसको जलने नहीं देता, काम करने नहीं देता, ना होने से ना करने से आपको क्या हो गया, अजीर्ण यानी इंडाइजेशन जैसी कंडीशन हो गई। तो यहाँ आवरण करने वाला कौन है, वह भोजन है। रोगी को क्या किया जाए, दवाई जो देना है वो तो देना है, बमन कराना चाहे अच्छी बात है, लेकिन वह भोजन खाने को लेकर के उसको गाइड करना पड़ेगा कि भोजन कब खाना है कितना खाना है, भोजन खाने के ही गड़बड़ी से हुआ है तो उसको लंघन कराना है, या जो निरंतर खा रहा है उसको खाने न दे करके कुछ और तरह से कुछ चीजें खाने को देना है। तो ये वंश परंपरा व्याधि का भी चलता है, रोग कारण जो भाव पदार्थ है उसके भी वंश परंपरा चलता है, जिन कारणों से किसी को गठिया हुआ है वह कारण का वंश
उसके संतान शरीर में चलता रहता है। जब तक उसको आप ब्रेक नहीं करोगे, निकालोगे नहीं, तब तक वो बना ही रहेगा। तो इससे क्या हो गया, शरीर में मोटापा आदि ये सारी चीजें कई प्रकार के उत्पन्न होंगे। दूसरा देखिए जरा, द्रव स्निग्ध शीत मंद मृदु पिच्छिल रसगुण बहुलानी आप्यानी। आप्यानी का मतलब है जल महाभूत, आप्य कहते हैं जल को। आगे क्या बोले, इन इन गुणों से संपन्न जो द्रव्य है वह शरीर में जल महाभूत को संचित करने वाला या बढ़ाने वाला हो सकता है या होता है। जैसे द्रव, द्रव यानी कोई भी जो लिक्विड पदार्थ है, स्निग्ध, स्निग्ध यानी जिसमें स्वेटिंग वगैरह होती है, जिससे पसीना आता है, जो थोड़ा चिकना चिकना टाइप का होता है, जैसे बहुत सारे हैं ना, जैसे मांस रस, ये स्निग्ध गुण वाला है, गाय का घी दूध ये सभी स्निग्ध है, जिसको खाने से शरीर में एक प्रकार से चिकनाहट, एक प्रकार से जो है कि जलीयांश, पानी का जो मात्रा जिससे बढ़ जाता है, वह स्निग्ध गुण है। शीत, जिसको खाने से शरीर में शीतलता पैदा होती है। मंद, जिसको खाने से डलनेस पैदा होता है। अब देखो, ये जो डलनेस है ये पार्थिव में भी है और यह डलनेस आप्य यानी कि रस में भी है। तो अंतर कैसे किया जाए, तो अंतर करने का तरीका है कि जो वो डलनेस है यानी वो जो मंद गुण जो है पार्थिव यानी उसमें गुरु हैवीनेस के साथ अगर आपको दिखता हैवीनेस के साथ शरीर में भारीपन भी है, कुछ करने का मन नहीं करता, सोता ही रहेगा, शरीर में शरीर एकदम जकड़ा हुआ है, उठते बैठते उसको दिक्कत होती है, और ऐसे में अगर डालने से तो हम कहेंगे कि यह पार्थिव प्रधान डालने से। अगर ऐसा गुण नहीं होगा, उसके शरीर में स्निग्धता है, चिकनाहट है, स्किन से पसीना ज़्यादा आता है, चेहरे एकदम गीला गीला सा लगता है, रफनेस नहीं है शरीर में, शरीर उसकी जो स्किन है बहुत कोमल है, पिच्छल यानी एकदम स्लिमी है, उसका जो है चिकनाहट से युक्त है, सॉफ्ट है, एकदम एकदम सॉफ्ट है उसकी स्किन, छूने में एकदम मुलायमदार जैसा लगता है, लेकिन साथ में वो डलनेस है, एकदम मंद गुण है उसमें, समझना चाहिए कि यह इसके शरीर में जल महाभूत की अधिकता है। जो द्रव है, ये जो जल जल महाभूत जो है, ये शरीर में क्या क्या करता है, तानी उपक्लेदन, ये शरीर में क्या करेगा, क्लेद को बढ़ाएगा। जो कफ में, जो कफ है यानी कि जो पृथ्वी महाभूत है, हम कहते हैं ना कि सर शरीर में चिकनाहट बहुत ज्यादा हो रहा है, हम जो कुछ भी भोजन करते हैं, किए हुए भोजन में इसीलिए सड़गुण संपन्न भोजन होना चाहिए। सिर्फ आप मधुर भाव पदार्थों का ही सेवन आप करते रहते हैं और उसमें जलीयांश की अधिकता होगी तो क्या होगा, वो क्लेद बाहुल्य रहेगा, शब्द का अर्थ होता है उसमें चिकनाहट बनी रहेगी, चिकनाहट वाला एकदम कीचड़पन रहेगा उसके अंदर, और आपके पूरे श्रोतसों में जाकर के वो चिकनाहट पैदा करेगा। यदि तृतीय अवस्था पाक कमजोर है, यदि यदि शरीर में वायु बनने की जो प्रक्रिया है वो अगर कमजोर हो गया, तो वो क्लेद शरीर को पूरा कवर कर लेगा, और जितना भी जो ये शरीर में जो वायु जिन जिन चीजों को करता है, उन उन जगहों में वायु को लॉस करके, उसको दबा करके कफ बढ़ता है, फिर कई प्रकार के व्याधि उत्पन्न होते हैं। पांडु रोग में जाकर के देखिए, पांडु अध्याय, पांडु, वहां एक जगह
मुझे वो रोग उसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। एक लक्षण है जहाँ रोगी बोलता है कि सर मेरे को उसका शरीर देखने पर आंख पीला है, स्किन का रंग उसका पीला है और उसके नाखून के रंग उसके पीला है, जीभ एकदम पीला पीला सा दिखता है, लेकिन उसकी जो स्टूल है उसका जो मल है वो सफेद म्यूकस से भरा हुआ उसका मल है। मल में वो येलोइस नहीं है, पीलापन नहीं है, मल में नहीं है, बाकी हर जगह है पीलापन। तो इसको देख करके जितने भी जो वैद्य है क्या करेंगे, अरे यह तो जो है पांडु है, पित्त वृद्धि हो गया है, पीला रंग दिखाई दे रहा है, चलो इसमें हम कुछ शीत द्रव्य देंगे, कफ शामक देंगे, जल महाभूत को बढ़ाने वाली ऐसे कुछ देंगे। तो पांडु में क्या बताया है, पांडु रोगियों के लिए विरेचन दुग्ध बाहुल्य दूध से विरेचन कराने के लिए बताया है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ जो कफ है कफ के स्थान में कफ की बाहुल्यता से उसकी वृद्धि हो करके विशेष करके यही जो क्लेद है अति मात्रा में क्लेद की वृद्धि होके मंदाग्नि कर देता है। क्लेद को जो वृद्धि हो करके अग्नि को मंद करता है और शरीर के मध्य भाग में जो पित्त का स्थान है उस जगह में जो पित्त वह स्रोतस है जहाँ से पित्त संचित हो करके पित्त गुजरता है उस जगह जा करके ये ब्लॉक कर देता है, उसको आवरण पैदा करता है। आवरण करने का मतलब है जिस जगह में पित्त द्रव्यता गुणता कर्मता, ये आवरण का भी बड़ा कॉन्सेप्ट है, जब उसका संदर्भ आएगा तो बात करेंगे। आवरण का मतलब क्या है, सिर्फ ढक देना ये आवरण का कॉन्सेप्ट नहीं है, आवरण मतलब है द्रव्यता, उसकी जो क्वांटिटी है उसके निर्माण प्रॉपर नहीं होने दे रहा है। कफ गुणत उस पित्त का जो स्वाभाविक गुण है उष्णा तिक्त अतिक्षणा ये आदि जो उसके जो गुण है, दाह करना पचन करना पक्ति कर्म करना, ये पित्त का कर्म है गुण है। तो आवरण करने का मतलब है कि कफ जो श्लेष्मा है इसके ये काम करने नहीं दे रहा है। ना देने से क्या होगा, पित्त पूरा त्वचा में हर जगह पित्त पहुंच जाता है और जो कफ के स्थान है उस कफ के स्थान जो है हमारे जो त्वचा हो गया मांस त्वचा लसिका आदि इन स्थानों में जा करके पित्त पूरा भर जाता है वहां पर, क्योंकि पित्त अपने काम अगर करने नहीं मिलेगा उसको तो इधर उधर बिखर जाएगा, फिर वो स्रोतमुखी हो जाएगा, बहिर्मार्गी हो जाएगा वो। और जो कफ है वो अधिक मात्रा में था, वो कफ क्या करेगा, अब वायु ने जैसे तैसे उस कफ को तो धक्का मार नहीं है, स्रोतसों में पित्त चला गया अपने गुणों के साथ, पीला पीला सा रंग बना रहा है और मल द्वार की ओर जा रहा है कफ, जो वायु उसको उठा करके ले जा रहा है। वायु बोलता है यार तू हट जा यहाँ से, काहे परेशान करता है, क्योंकि चेतना जो है वो वायु में है, शरीर में सर्कुलेट करने का काम वायु का है, तो वायु यहाँ क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा उस क्लेद को हटाने का प्रयास करता है। लेकिन अब रोगी यदि कफ कारक चीजों का सेवन करता है या वैद्य भी अनजान में पेशेंट को, क्योंकि वैद्य देखता है यार वो चीज उसको तो याद ही नहीं है, पता ही नहीं है कि मल द्वार से कुछ निकल रहा है, इसका मतलब ये होता है यहाँ आवरण का कंसेप्ट है, यहाँ चिकित्सा कफ का होना चाहिए, पहले पित्त का नहीं, पहले बमन होना चाहिए, कफ शामक चिकित्साएं करनी है, उसके बाद में फिर पित्त का चिकित्सा करना है, पित्त शमन करना है पहले, बाद में पहले कफ के लिए बमन, फिर बाद में पित्त के लिए विरेचन, फिर पित्त शोधन, ये स्टेप बाय स्टेप इसके चिकित्सा है। जहाँ से चीज़ें खराब हुई है वहीं से चीज़ें ठीक करते हुए आना है। जैसे मैंने पहले एक उदाहरण दिया था, किसी एक आदमी का अल्प निद्रा के कारण से वायु बढ़ गया, बढ़ने वाला वायु जो रुक्ष गुण, क्योंकि रात्रि जागरण से शरीर में रुक्षता बढ़ जाता है, रुक्ष गुण की जब वृद्धि हुई तो उससे क्या हो गया, रुक्ष गुण बढ़ा और बढ़ने के बाद वायु अग्नि स्थान में जाकर के उस रुक्ष गुण ने अग्नि को मंद किया,
यानी मंदाग्नि हो गया। मंदाग्नि होते ही शरीर में आम की उत्पत्ति हुई। जब आम उत्पत्ति हुआ तो उससे उसको हो गया बवासीर। देखो जरा घूम करके शरीर में कैसे कैसे चीजें किधर किधर घूमते हुए जा रहा है। इसीलिए रोगी को हमें सबसे पहले तो पूछना ही पड़ेगा कि भैया आप ये बताओ, कि पहले पूरा राम कहानी अपना रोगी से पूछना ही पड़ेगा। और वहां से हमें सारे आवरण के कंसेप्ट, दोष अपने गुणों से बड़ा हुआ घटा हुआ है या दूसरों के कारण घटा बड़ा हुआ है। यहाँ पर जो कफ, जो आम की उत्पत्ति हो करके उसकी जो बवासीर जो उसका उत्पन्न हो रहा है, अर्श जो उत्पन्न हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? बेसिकली रात्रि जागरण ही उसका मूल कारण था। बवासीर हो गया, दवाइयां खा रहा है लेकिन रात में जगना नहीं छोड़ रहा है। पूछा गया, भैया ऐसा क्यों करते हो? कहते महाराज मेरे तो रोजी रोटी का सवाल है, रात में जाके नौकरी करना पड़ता है तब जाके पैसा मिलता है, बच्चों को खिलाना पड़ता है। अब क्या होगा? हमने कह दिया कि महाराज आप ऐसा है कि ये आप मत करो, रात में जगने के बजाय आप रात में सो जाओ प्रॉपर, दिन में जग के काम करो। तो कहता है सर ये मेरा आदत बना है, दिन में तो मैं कर नहीं सकता, और जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ बहुत बहुत बढ़िया है, अच्छा है, मुझे कोई लफड़ा नहीं, रात में बस बैठो गेट में बैठो, बस थोड़े बहुत झपके मार भी लेते, कोई एक आध कोई बंदा आ जाए तो आ जाए, बाकी कोई आता नहीं है। तो अब यहाँ आप चाहे उसको अमृत ही दे दो, इस बंदे का अर्श तब तक ठीक नहीं होगा जब तक वो रात को जगना नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि रोग का कारण और कुछ नहीं है, रात जगना ही है। क्योंकि उसी से पहले वायु के, क्योंकि रात में जगोगे तो रुक्ष गुण बढ़ेगा। तो हमें हेतु को जानना है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे आप्य महाभूत, जो जल महाभूत है उसमें जो जो भी गुण है उन गुणों का विश्लेषण हमें शरीर में करना है। क्या पिच्छल गुण बड़ा हुआ है? अगर है तो पिच्छल गुण के क्या क्या सिम्टम्स होंगे, रोगी में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो पिच्छल जो गुण है उस गुण को खर हो गया, रुक्ष हो गया, ऐसे जो द्रव्य है उसको काटता है। तो हमें चिकित्सा भी विपरीत ही करना है, लेकिन विपरीत चिकित्सा तभी करना है जब दोष अपने गुणों से बड़ा हुआ है। जैसे मान लो कि कोई आदमी बहुत ज्यादा क्रोध करता है, क्रोध करने से कौन सा दोष बढ़ेगा, कोई बता सकते हैं मुझे? शरीर में पित्त पित्त बढ़ेगा, क्रोध करने से पित्त बढ़ेगा, क्रोध करने से पित्त बढ़ेगा, बढ़ने वाला पित्त के वजह से उसको अजीर्ण हो रहा है, या बढ़ने वाला पित्त के कारण से कोई समस्या हो रहा है। तो यहाँ पर कोई भी हम जो दवाई देंगे उस दवाई के साथ साथ हमें क्रोध को कंट्रोल करने की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन यह एक सामान्य व्यवस्था है जहाँ पर अपने निज कारण से पित्त बढ़ रहा है, ऐसे कारण को ठीक करना हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लक्षणों के आधार पर हम चिकित्सा करते हैं, लेकिन वैद्यों के लिए चैलेंज था वहाँ है जहाँ सामान्य रूप से रोगी में हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि यार इसको तो गठिया है या इसको तो अर्श है, बवासीर हो रखा है। और हम बहुधा क्या मानते हैं, बवासीर को कफज व्याधि मानते हैं, हर जगह लिखा भी है ये कफज व्याधि है, लेकिन वो कफ कारक आहार विहार से शरीर में दोष प्रकोपित होकर के अगर अर्श हुआ है तब हम कफ शामक चिकित्सा करेंगे और रोगी ठीक होगा। अभी मैंने उदाहरण आपको दिया कि भाई वायु पहले बड़ा, मंदाग्नि हुआ, आम की उत्पत्ति हुई, वह आम शरीर में गुरुता, क्लेद, स्थिरता, मंद, गुरु, ये सारे गुण उसने प्रकट किया। पृथ्वी महाभूत के जो भाव पदार्थ है वो शरीर में बढ़ने लग पड़े। उसके बाद दोष दुष्य सम्मूर्षणम से व्याधि, वह जो दोष है एक दुष्य स्थान में जाकर के अब कहाँ जाता है ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि चक्रवत परिभ्रामते, पूरा शरीर में सुदर्शन चक्र के समान दोष आपस में घूमते फिरते रहते हैं, जहां जाकर के इकट्ठे हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि कोई आदमी
रात्रि जागरण करने से वायु विकृत हुआ, मंदाग्नि हुई, आम की उत्पत्ति हुआ, उत्पन्न होने वाला आम कहाँ जाकर के रोग उत्पन्न करेगा अभी कुछ नहीं कह सकते। यत्र संग खवई गुण्य, जहां जाकर के संग होगा, जहां जाकर के खवई गुण्यता प्राप्त होगी, विगुणता प्राप्त होगा, उसी जगह में व्याधि उत्पन्न होगा। ये पहले से कोई डिसाइड नहीं कर सकता। इसीलिए आयुर्वेद को बस थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात है। ये सब चीजें आप लोग तभी कर पाओगे जब आपका आयुर्वेद के प्रति कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, सिद्धांत को आप ध्यान से पढ़ते हैं। तो जो जलीय महाभूत है, जो जल महाभूत है, उसमें द्रव है, स्निग्ध है, शीत है, मंद है, मृदु है, पिचिल है, ये सारे रस गुण की प्रधानता होती है इनमें, उसे जलीय द्रव्य कहते हैं। जिस जिस में जल महाभूत प्रदान गुण बाहुल्यता है, उसकी अधिकता है जिसमें, वो सभी का सेवन शरीर में जलीयांश का निर्माण करेगा। करने से क्या होगा? इनके सेवन करने से शरीर में कोमलता, शरीर और उसके इंद्रियों में प्रसन्नता अगर अधिक होगा तो शरीर में एक प्रकार से थूलथूलापन, पिलपिलापन, जल्दी से थक जाना, जल्दी से अस्थिर हो जाना, क्लेद बाहुल्य, ज्यादा पेशाब आ रहा है, ज्यादा मल की प्रवृत्ति हो रही है, शरीर से पसीना ज्यादा आ रहा है। समझ लीजिए, अभी मेरा एक पेशेंट है महाराष्ट्र से, कहते कि सर यूरिन पेशाब बहुत ज्यादा आता है बच्चे को, रात में पेशाब बहुत है। कहता है कि सर तीन तीन बार जाता है। तो मैंने कहा कि भाई आप हरा वाला बांस काट के ले आओ, उसमें पानी डाल के पिलाओ, क्या होता है? तो कहते सर ये तो 4 बार हो गया। तो मैं कहा अरे हाँ, ये तो इसका मतलब तो बच्चा पानी ज्यादा पीता है। फिर मैंने कहा कितना पानी पीता है ये? तो कहते हैं कि इसको प्यास बहुत लगता है, पानी ये काफी ज्यादा पीता है, कभी नमक डाल के, कभी चीनी डाल के, कभी शरबत डाल के। सर गर्मी बहुत है ना, उनके बहाना भी बड़ा मजेदार होता है। ऐसे बहाना बताएंगे कि हम कहेंगे अच्छा हाँ कोई बात नहीं, कर लो कर लो। ऐसा होता है। तो फिर उसको पूरा पानी को पीने के लिए बंद कराया गया। वो गाजर, जहां जहां से जो जो द्रव्य जल महाभूत को बढ़ाने वाला होगा, सबको बंद करके वो द्रव्य जो आकाश महाभूत को बढ़ाता है उसको दे देंगे, क्योंकि आकाश महाभूत शरीर के अंदर जाके गैप पैदा करेगा, रुक्षण पैदा करेगा, स्थिरता पैदा करेगा। विशेष करके आकाश का काम है गैप उत्पन्न करना, चीजों का विखंडन कर देना। तो अभी उसका चल रहा है ऐसे। तो पानी को बंद करके कुछ रुक्ष, जैसे चना है, चने के सत्तू हो गया, ऐसे चीजें उसको दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जलीयांश, जल महाभूत से हमें समझने को मिला। तानी उपक्लेद, तो ये जो जल महाभूत है क्या करता है? ये क्लेद करता है शरीर में, है ना, गाढ़ापन पैदा कर देता है। स्नेह, चिकनाहट पैदा करता है। बंध, शरीर को जकड़ने का काम करता है। अभिषंध, शरीर को, अभिषंध का मतलब भी यही होता है कि उसको जकड़ने का ही काम करता है। आर्दव, गीला करता है। रोगी बोलेगा सर ऐसा लगता है, ये बवासीर वाले ज्यादा बोलेंगे, ऐसा लगता है ना सर कि जब थोड़ी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गीले कपड़े से शरीर को ढक दिया गया हो, ये आर्द है। प्रहलाद करणानी, जलीय महाभूत जो है ये मन को प्रसन्न करने वाला होता है। अगर किसी आदमी के शरीर में मन प्रसन्न नहीं है, उद्वेग है, चंचलता है, चित्त में अस्थिरता है, अशांति है, इसका मतलब
प्रहलाद करणानी, कौन है? जल महाभूत है, उसकी कमी हो रही है, उसको कुछ शरबत पिलाना चाहिए, मधुर रसात्मक जिसमें जलीय महाभूत ज्यादा है, ऐसे चीजें उसके मन को प्रहलाद करता है। क्योंकि आह्लाद जो प्रसन्नता है वो मन में होने वाली क्रियाएं हैं। आप देखिए आगे, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म लघु रूक्ष विशद रूप गुण बहुलानी आग्नेयानी। यह जो आग्नेय महाभूत है यह कैसा है? ये यह द्रव्य, यानी जो द्रव्य, जो आग्नेय द्रव्य है, विशेष करके जो द्रव्य उष्ण गर्म है, जो द्रव्य प्रकृति में, जो कोई भी द्रव्य जिसका स्वभाव में उष्णता है, गर्मी है, स्वभाव में गर्मी प्राधान्य है। अगर हम कहेंगे सर्दी का मौसम, लेकिन राजस्थान में, राजस्थान की बास, मौसम गर्म है लेकिन राजस्थान उष्ण बाहुल्य, इसलिए उसको भी राजस्थान में उत्पन्न होने वाले कोई भी जो द्रव्य है वह आग्नेय प्रधान ही माना गया है। लेकिन देश में, चाहे वो जंगल हो, चाहे अनूप हो, चाहे सामान्य हो, किसी भी देश में सबसे उत्तम यही आग्नेय प्रधान जंगल देश है, राजस्थान आदि, क्योंकि वहां क्लेद का निर्मिति नहीं होता। आयुर्वेद मानता है जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान, जो ये कफ है, ये व्याधि का बड़ा कारण है। ये शरीर को असंतुलन रखने में बड़ा जल्दी काम कर जाता है, इसीलिए जंगल प्रदेश में जन्म लेकर के वहीं रहने वाले लोग, जंगल प्रदेश में रहने वाले लोग, उस जगह में उत्पन्न होने वाला जो वनस्पति है, आनूप के, आनूप का मतलब है, अच्छा आप में से कोई है जिसको आनूप प्रदेश, जंगल प्रदेश के बारे में पता नहीं है? जिसको है वो ना बोले, जिसको नहीं है वो यस बोले। है ऐसा कोई? अपने अड़ियों को खोलिए अपनी। आप में से कोई ऐसा है जिसको आनूप प्रदेश के मतलब पता नहीं है? गुरुजी नहीं हाँ, अच्छी बात है दिव्या जी। आनू प्रदेश का मतलब है जहाँ की मिट्टी में नमी है, जहाँ बरसात होता रहता है, जैसे आसाम है, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश है, जैसे नेपाल है, ये आनूप प्रदेश है, जहाँ के जानवर में वसा, फैट ज़्यादा है, जहाँ पर मछलियाँ जो है समुद्र, अपना तालाबों में मछलियां ज्यादा पाई जाती है, वो बड़े बड़े साइज में मिलता है, जहां पर हरी, ये आपका सुअर जो है वो मिलता है, बंगुर जिन सुअर जिसको बोलते हैं, वो जानवर जहां पाले जाते हैं, जहां के लोग उसका सेवन करते हैं, जहां पर इसकी पालन होती है, आजकल तो खैर हर जगह होता होगा, लेकिन वो आनूप देश है, जहाँ के पानी मीठा होता है, नमी होती है उस पानी में, जहाँ के वनस्पति एकदम पत्ते हरे हरे होते हैं, जहाँ के दीवारों में देखोगे ना, दीवारों में तो एकदम वो काई सी जमी हुई होती है, वो आनूप प्रदेश है। जंगल प्रदेश है जहाँ रूखी सूखी हवाएं चलती है, जैसे जंगल मीन्स जहाँ पर रूखा जंगल है, इस टाइप का, जैसे राजस्थान है उसको जंगल मानो। साधारण का मतलब जैसे दिल्ली है, जहाँ का हवा पानी ठीक है, उसके टेम्परेचर भी ठीक है, न तो नमी है मिट्टी में, न तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो सामान्य देश है। तो मुख्य रूप से जो देश के संदर्भ में दो ही देश, जांगल और आनोप बताया है, बाकी अलग अलग उसमें भी जो भेद कुछ आयुर्वेद ने बताया है, लेकिन समझने वाली बात यही है, आनोप और जांगल, और जो इनमें से कुछ नहीं है उसको सामान्य बोला जाता है। तो आनूप देश में, तराई वाला इलाका अनु हाँ, तराई वाला जो इलाका है, वो जो पहाड़ के फेदी है,
पहाड़ और उसके फेदी, जो पहाड़ के फेदी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, जहाँ पहाड़ खत्म, जैसे इधर हमारे इधर ये हमारा हो गया चिंतपूर्णी से नीचे, जहाँ पहाड़ी खत्म हो जाती है, तो जो भी है। और एक होता है उपत्यका बोलते हैं उसको, उपत्यका मीन्स जहाँ आप लोग कभी नेपाल गए हो तो वो उपत्यका का मतलब होता है कि बीच में शहर या ऐसा है, उसके चारों ओर पहाड़ है, दूर दूर एक जगह जिसके जिसके चारों ओर पहाड़ों ने घेरा हुआ है, वो बड़ा सा शहर, बड़ा सा जैसे स्थान जिसके चारों ओर पहाड़ है। हरिद्वार भी इसी जगह है। हाँ हरिद्वार के चारों ओर पहाड़ है क्या जी, मुकेश जी? पहाड़ है क्या चारों ओर? हाँ जी, पहाड़ है, चारों चारों ओर ओर पहाड़ है। चारों ओर पहाड़, लेकिन हम लोग जब यहाँ से जाते हैं तो कोई पहाड़ तो हमें टच नहीं होता। चारों ओर है ना, देखना हरिद्वार में खड़े होकर देखना, चारों तरफ पहाड़ी दिखाई देगा नहीं, आपको। चारों ओर नहीं होगा, तीन तरफ एक होगा। साइड पहाड़ है, चारों ओर से नहीं है। तो हम लोग जहाँ से जाते हैं सर उधर तो पहाड़ उधर पकड़, चारों ओर नहीं है सर, हाँ चारों ओर नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। चारों ओर एक्चुअल नहीं में है। वो सिर्फ पट्टी एक बनी हुई है जिस पर रोड बनी हुई, जिससे लोग जाते हैं। दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और बीच में गंगा है, हाँ नहीं है सर, थोड़ा सा सर। हाँ बस बस चारों ओर नहीं है वहां पर। तो जिसके चारों ओर पहाड़ है और बीच का जो मैदान है, बड़ा सा खुला मैदान, उसको हम उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? अनूप देश बोलेंगे। तो ऐसे स्थान में रहने वाले जो लोग हैं उनके शरीर में क्लेद की, पिच्छिल गुण की अधिकता रहती है। उस पिच्छिल गुण के वजह से शरीर में बड़े उपद्रव होते हैं। आप देखना कभी ऐसे आनुपदेश में जब आप जाओगे, वहाँ के देखो स्थान के हिसाब से उस देश की जो क्वालिटी है उसके आधार पर रोग होता है वहाँ पर। जैसे आप अगर राजस्थान में जाओगे तो वहाँ के लोगों में आपको मिर्गी है, मतलब कि जो पित्त से रिलेटेड जितने भी जो रोग है, मूर्छा है, भ्रम है, और इस तरह के आपका ये जो तमाम जो रोग है जो पित्त की वजह से उत्पन्न होते हैं, वो रोग आपको जंगल प्रदेश में जाके देखने को मिलेगा। ऐसे स्थान जैसे आनूप देश में कफ प्रधान रोग आपको देखने को मिलेगा, ट्यूमर है, बवासीर है, कैंसर है। राजस्थान में रहने वाले लोगों को कोई इक्का दुक्का ही होगा जिसको कैंसर होता होगा या ट्यूमर होता होगा। राजस्थान का कोई भी ट्यूमर का केस आपको बहुत कम, हाँ उसके आहार विहार अगर गलत हो गया, किसी और जगह में जाके बैठ गया और उसकी वजह से, वो अलग बात है। देश ही डिसाइड करता है, क्योंकि उस देश के हिसाब से आहार विहार नहीं हो पाता, इसीलिए उस देश से रिलेटेड जो व्याधि है वहां पनपने लगता है। इस बात के ऊपर गौर करिएगा। तो जो आग्नेय द्रव्य है उसमें उष्ण यानी गर्मी, तीक्ष्ण यानी तीखापन, सूक्ष्म यानी कि अति सूक्ष्म श्वसनों के अंदर भी प्रवेश कर जाने वाला, लघु यानी हल्का, रुक्ष यानी रफनेस ड्राइनेस, विशद यानी कि एकदम जो क्लियर कर देता है, क्लियरनेस, विशद मीन्स क्लियरनेस, सफाई कर देने वाला ऐसा गुण, इस प्रकार के गुण की बहुलता जिस पदार्थ विशेष में पाया जाता है वह है आग्नेय। आग्नेय गुण की यह विशेषता है कि अगर इसकी बहुलता वाले स्थान में रह करके आग्नेय द्रव्य का अधिक सेवन किया गया, इस देश में रह करके, या आग्नेय गुण प्रदान इस तरह के पित्तज प्रकृति वाला व्यक्ति है, पित्तज रोग है और उसकी जो आहार है वो भी पित्त से रिलेटेड है, तो निश्चित है कि उसको किस तरह की समस्या होंगे, उसको होंगे दाह। देखो आगे क्या लिखा हुआ यहाँ पर, तानी दाह पाक प्रभा प्रकाश वर्ण करणानी, उसके शरीर में दाह यानी जलन, पाक यानी शरीर में स्वेलिंग हो जाना,
स्वेलिंग हो जाना, बर्निंग सेंसेशन होना, दाह, पाक मीन्स स्वेलिंग हो जाना, एडिमा हो जाना, इनकी वृद्धि हो जाती है, और शारीरिक कांति की वृद्धि अगर यह अग्नि शरीर में मेंटेन रहा तो अग्नि एक तो पाक क्रिया व्यवस्थित होगा, चेहरे के रंगत तो उसका सही रहेगा, शरीर उसका हल्का रहेगा, गतिमान रहेगा और किसी भी प्रकार के ग्लानि से रहित रहेगा। अगर आग्नेय गुण की अधिकता रहेगी तो ग्लानि, ग्लानि समझते हो आप लोग, चिड़चिड़ापन लगा लो, ग्लानि का मतलब चिड़चिड़ापन एक तरह से। शर्मा जी, ग्लानि को क्या अर्थ देंगे आप? ग्लानि मीन्स चिड़चिड़ापन, चक्कर जैसा, चिड़चिड़ापन, क्रोधी, चिड़चिड़ापन। ग्लानि, ग्लानि का मतलब होता है कि अपने किए कर्मों के प्रति असंतुष्ट होना, ग्लानि। बेइज्जती महसूस करो गुरु जी, ये नहीं होगा, एक तरह से बेइज्जती महसूस करना, हाँ, गिल्टी फील होना, चिड़चिड़ा होना, अपने किए कर्मों के प्रति पछतावा होना, ये सारी चीजें ग्लानि में आता है। यानी कि ये सभी क्या है, उष्ण गुण प्राधान्य, ऐसी व्यवस्था आग्नेय में है। वायव्य देखते हैं जरा, वायव्य, वायु गुण का क्या है, लघु शीत रुक्ष खर विषद सूक्ष्म स्पर्श गुण बहुलानी वायव्यानी, जो वायु के गुण है वो वायु महाभूत में दिखाई देता है ना, लघु यानी हल्का, शीत यानी ठंडा, रुक्ष यानी ड्राइनेस, खर यानी कि रफनेस, विषद यानी कि क्लियर करने की क्वालिटी, सूक्ष्म यानी वही पित्त के जैसा सूक्ष्म गुण है, स्पर्श यानी कि त्वचा में स्पर्श यानी कि स्पर्श करने पर स्पर्श की अनुभूति ना होना, रफनेस दिखाई देना स्पर्श में, अच्छा नहीं लगना स्पर्श में, अच्छा नहीं लगना, इस प्रकार के गुण की अधिकता वायु महाभूत में रहेगा। तानी रोक्ष, अब ये भी वही कर रहा है, शरीर को रुखा कर देता है, ग्लानि पैदा करता है, विचार वैसद्य, विचारों में विशदतापन पैदा करता है ये। ग्लानि मीन्स नमी भी होता है सर। हाँ जी, ग्लानि मीन्स नमी भी होता है ना, नमी। हाँ देखो, ग्लानि का, ग्लानि एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ है। नमी का मतलब ही वही हो गया ना कि अपने अंदर एक प्रकार का उसको ऐसा गिल्टी भाव होना है ना, कि गिल्टी महसूस होना, नमी हो रही है, ग्लानि, ग्लानि हो रहा है मुझे, मैंने तेरे को जो किया था लेकिन आज ग्लानि हो रहा है मुझे, यानी पछतावा होना, गिल्टी फील होना, हाँ पछतावा होना, ये सारी चीजें ग्लानि में आ रहा है। और पछतावा जो हो रहा है, जो गिल्टी फील हो रहा है, वो थोड़ा सा गुस्से के उसमें थोड़ा गुस्सा भी जुड़ा हुआ है, गुस्से के मारे लाल पीला होकर के उसको ऐसे ग्लानि हो रहा है, अबे यार तूने, मैं ये किया वो किया, ऐसे ग्लानि। तो ये भाव जो है वायु में भी रहेगा, ग्लानि को उत्पन्न करना वायु में और पित्त में, विषदता उत्पन्न करना वायु में और पित्त में। ये देखो जरा, वायु, जो लोग होता है ना ओसीडी नाम का एक रोग है, उस रोग में विषदा गुण बड़ी हुई रहती है वायु की, जहां बंदा हमेशा अपने हाथ को धोता रहता है, क्लीन करने की जो प्रवृत्ति है, स्वच्छ रखने की मानस जो भाव है, वो विषद गुण है। अब आ गया अंतिम में आकाश गुण, इसका तन्मात्रा है शब्द, और इसको पृथक इस शब्द से भी जाना जाता है। हाँ जी, पृथक आकाश का कर्म क्या है, एक भाव पदार्थ को दूसरे भाव पदार्थ से विशद कर देना, उसको अलग कर देना, किसी किसी को, अच्छा चलो इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जरा, मृदु लघु सूक्ष्म स्थल
लक्षण शब्द गुण बहुलानी आकाशात्मकानी तानी आर्दव सौसीर्य लागव करणानी। तो आकाश में कैसा है, मृदु है, लघु है, सूक्ष्म है, स्लक्षण है, ये सभी वायु के ही गुण है। शब्द गुण की बहुलता वाले ये सब होते हैं। शब्द गुण की बहुलता यानी कान से सुनाई न देने की प्रवृत्ति या बहुत ज्यादा सुनाई देने की प्रवृत्ति। स्पर्श बाहुल्यता ये वायु है, तो स्पर्श की जैसे कोई कहते ना कि सर मेरे जैसे पैरालिसिस हो गया किसी को, तो चामी स्पर्श की जो सामर्थ्य है वो खत्म हो गया, कौन सा महाभूत हो गया, वायु महाभूत है। अगर रोगी बोलता है कि सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कान से ऐसा हो गया, थोड़ा जोर से बोलो तभी सुनाई देगा, तो ये कौन सा महाभूत से है, आकाश महाभूत से है। क्योंकि शब्द का जो शब्द है वो तन्मात्रा किसका है, आकाश का है, और स्पर्श तन्मात्रा किसका है, वायु का है। सर मेरे को ना आंख से प्रॉपर नहीं दिखाई देता, ये कौन सा तन्मात्रा है, रूप तन्मात्रा किसका है, अग्नि का है। सर मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लगता, खाया हुआ चीजें मुझे पसंद नहीं है, कभी ये पसंद नहीं, कभी क्या है, रस तन्मात्रा किसका है, रस धातु का। सर नाक प्रॉपर काम नहीं करता, गंध की अनुभूति मुझे नहीं होती, गंध तन्मात्रा किसका है, पृथ्वी महाभूत का। तो इससे भी हमें बहुत सारे समस्याओं के ऊपर अंदाज लगाना चाहिए, ठीक है। तो अनेना देखिए जरा बारह में क्या लिखा है, अनेना उपदेशेना ना नौषधिभूतम जगति किंचित द्रव्य उपलभ्यते ताम तम युक्तिमर्थम चतम तम अभिप्रेत्य। कितनी अच्छी बात है इन्होंने कहा है। इस प्रकार इस पांच भौतिक संसार में कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो उस युक्ति एवं उस विषय को अभिप्रेत करके औषध रूप में ना हो। अगर वो पानी भी है तो पानी भी औषध रूप में है, उसके अंदर जलीयांश की अधिकता है, जल महाभूत की अधिकता है, जिसमें शीत स्निग्ध मंद मृदु पिछिला आदि गुण है। तो ये सूत्र बोलता है 12 नंबर में कि महाराज दुनिया में कोई भी जो पदार्थ है, जो भाव पदार्थ है, वो एमी नहीं है, सहज नहीं है, बेकार नहीं है, वो किसी न किसी रूप में शरीर में रस प्रदानम आहार द्रव्यम वीर्य प्रदानम औषध द्रव्यम, या तो वो रस के रूप में या तो वो वीर्य के रूप में शरीर में काम करते हैं। रस के रूप में शरीर और मन का पोषण करता है, वीर्य के रूप में धातु का पोषण करता है। तो इस तरह से कोई भी द्रव्य में ये सारे गुण है। उसकी जो पांच भौतिक द्रव्य है उसका कर्म आदि, उसकी जो स्वरूप है उसकी पहचान करके जो वैद्य युक्तिपूर्वक उसमें से औषधीय गुणों को जान करके उसकी अभाव से परेशान रोगी के ऊपर जो प्रयोग करता है, निश्चित वह इस आयुर्वेद के क्षेत्र में सफल पाने का हकदार है, वो सफल हो सकता है इस क्षेत्र में। तो आज हम इतना ही देखेंगे, मेरा नाड़ी का क्लास अब 5 मिनट के बाद शुरू हो जाना है। तो